हेलो गाइस, स्वागत है यार एस सर गेमिंग चैनल के अंदर। और यार आज मुद्दे की बात करेंगे। काफी टाइम बाद एक और वीडियो लाए हैं, ये देखो बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, लेकिन अब डायरेक्ट मुद्दे की बात ही करेंगे। तो बकवास ही नहीं, मिस्टीरियस ट्री पे अपन आ चुके हैं और अपन ने पूरा बेस लगा दिया है और अपनी रिसर्च चल रही है कि अंदर कैसे घुसा जाए। अभी हमने हार नहीं मानी है, इतने दिन हो गए क्योंकि हम हार नहीं मानने वाले लोगों में से हैं। तुम्हें हमने वादा कराया कि जाके जरूर दिखाएंगे, तो जरूर दिखाएंगे। तो अब देखो क्या क्या चीज़ कर चुके हैं हम तक। अभी हमने यहाँ पर पाल बॉक्स बना दिया है, हमने बेड लगा दिया है और हमारी एक चीज़ हमें मिली है यहाँ पर, एक सीक्रेट रास्ता मिला था नदी से बहता हुआ, तो उस रास्ते से जाया जा सकता है, लेकिन उस पर अभी काम चल रहा है। वो आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे, लेकिन अभी आप ये देखो हमने ना बॉर्डर के उस पार बनाया है, उस पार इस पेल बॉक्स को बनाया है। ये जो पेल बॉक्स है देखो, अपने सारे पेल वेल्स सब हैं यहाँ पे, देखो ये भी है अपने ही। और इसके अंदर एक चीज़ और हमने देखी है कि हम जैसे सो जाते हैं तो सोने के बाद हम उस बॉर्डर पे आ जाते हैं, उस बॉर्डर पे रहते हैं हम सोने के बाद। लेकिन अभी आप देखना जो जैसे हम कर रहे हैं ना, देखो ये अपना एक 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 पेल बॉक्स मतलब एक बेस है ये अपना, और ये अपना दूसरा बेस। देखो कितनी दूर बेस बनाया है अपन ने, कितने सारे बॉस खुल गए, जैसे जर्मन टाइड, पता नहीं कितने सारे फेल बैट नए नए खुल गए बॉस। ये अपना नहाने का पेल्स के स्टेस का बहुत ऑफ कैमरा बहुत कुछ बनाया ऑफ कैमरा। और बहुत कोशिश करिए यार उस मिस्टीरियस ट्री के अंदर जाने की, लेकिन मिस्टीरियस ट्री के अंदर जाने में थोड़े से नाकाम हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा सक्सेस भी मिला है। और लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अब क्या है जो डेवलपर है ना, उन्होंने उसमें सिस्टम ही नहीं दिया अंदर जाने का। या तो देखो सिस्टम नहीं दिया डेवलपर ने, या फिर क्योंकि जो वो है ना जो अपना ट्री है वो सच में हार्ड है ही नहीं, ये बिल्कुल इमेज है, वो रियल है ही नहीं। या तो देखो इमेज नहीं है, या फिर अगर होगा ना तो एक कुछ ना कुछ ट्रिक होगी जो उस डेवलपर को पता है, या फिर कुछ यूनिक बंदों को पता है, लेकिन जा नहीं सकते। चाहे ऐसा कुछ भी कर लो उसके अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कम से कम हजारों से ज़्यादा बॉर्डर आर्डिटेडी लगा रखी है बॉर्डर उसके अंदर। उसके अंदर मोड डालना पड़ेगा, एक तो इनफिनाइट स्ट्रेंथ का, स्टेमिना का। अब देखो हम यहाँ पर आते ही डायरेक्ट यहाँ पर अंदर आते हैं। अब यहाँ पर तो हमने अपना पूरा वो बॉक्स बना दिया मिस्टीरियस ट्री के अंदर। अब अंदर जाने के लिए तुम कमेंट सेक्शन में तुम्हारे आइडिया भी दे सकते हो जो हम अप्लाई कर सकें। हमने हमारे आइडिया बहुत सारे अप्लाई करे। देखो सोकर भी देखा, देखो दिखा देते हैं तुम्हें। बॉर्डर के अंदर आ जाएंगे अपन, उठेंगे जब ये देखो अपना देखो कैमरा ऐसे पास जाएगा अपन, ये अभी बॉर्डर के अंदर है। जंप जंप दबाऊंगा ना मैं, देखो जंप दबाता हूं। ये देखो बॉर्डर के अंदर है अपन, ये जंप दबाया, ये बाहर आ गया, बाहर आ गया। ये जंप का बटन दबाते ही स्पेस बार दबाते ही मतलब या तो देखो जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता, दो बात है। और दो बात में से ये है, या तो उस डेवलपर को ट्रिक पता है अगर जाने की होगी, तो यूनिक लोगों को पता होगी, नहीं तो वो एक सिर्फ इमेज है, वो सच में कोई कॉपी मतलब कोई है ही नहीं वो, या फिर नहीं है। बाकी दिखाने के लिए बाकी तुम तुम्हारे आइडिया भेज सकते हो कि भाई चारों तरफ एक बार हम घूम के देखेंगे बॉर्डर के, मतलब जो मैप है उसके चारों तरफ घूमे भाई, कितना बड़ा मैप है। अभी जैसे तुम्हें मैं मैप दिखाता हूँ, देखो तो अभी मैप के मैं चारों ओर घूम के देखूँ कि भाई कहीं ना कहीं से रास्ता निकल रहा है। या तो तुम बता देना अगली वीडियो में ऐसा कर देंगे कि वो बॉर्डर किधर 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 जा रही है, वहाँ से कर देंगे। एक क्या मेरे वीडियो क्या मैं तीन चार वीडियो डिलीट हो गई इस चक्कर में, तो इस चक्कर में तीन चार वीडियो डिलीट हो गई इसको बनाने में, और स्टोरेज बढ़ गई थी बहुत कुछ, इतना टाइम लग गया। क्यों लग गया कि मैं क्या है पूरा चारों तरफ घूमा था उस ट्री के, मैं कम से कम दो दिन तक तो मैं चारों तरफ घूमा ही था मैं कंटिन्यू, मतलब वैसे कंटिन्यू नहीं थोड़ा ब्रेक ले लेके, लेकिन दो दिन तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी उस ट्री के घूम घूम के, तब भी जाने का रास्ता नहीं मिला। तो वही बात है कि यार हम इतने दिन से क्यों नहीं आए, क्योंकि हम चाह रहे थे कुछ अच्छा लाना, लेकिन अच्छा ये आया है कि हमने इसके अंदर पाल बॉक्स अपना बना दिया है। मतलब अब अपन रिसर्च कर सकते हैं जब जाएं, जब अपन को इतना ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। मतलब अपन खेलते रहेंगे कंटिन्यूस और वहाँ पर कोशिश करते रहेंगे, हर एक आइडिया अपनाते रहेंगे। अब तुम्हें आइडिया देते रहना है। और देखो ये अपने पैल को ग्लिच हो जाएगा शायद, देखो कितने सारे बल्ब जल रखे हैं उस पर, वो बहुत सारे आइडिया आ गए, उसको बहुत सारा काम करना है मेरे हिसाब से, इसलिए हुआ है उसको ग्लिच हो गया इसके साथ, कोई सा भी काम नहीं कर रहा है एक भी, इसको पकड़ के ले जाएं इसको एक बार। ये बोल रहा है कि मैं ये करूं कि वो करूं कि ये करूं कि वो करूं, ये बोल रहा है ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में मैं नहीं बैठूंगी, ये करने लग गया। देखो करने लग गया ये हाथी को, ये छोटे से हाथी को, ये हाथी बहुत ही कमजोर हाथी है ये अपने, ये इसका अपने सेटल बनाया नया, और मैं इसे पकड़ने चाह रहा था, इसे ये वॉन्डरिंग ट्रेडर है ना, इसे पकड़ना चाह रहा था मैं भूल गया कि उसको मैंने निकाल के रख रखा है, इन सबको मैंने बाहर निकाला, मतलब हाँ बाहर निकाल दिया, मतलब इस बेस के अंदर डाल दिया इसको, पेल बॉक्स के अंदर डाल दिया, और इसको मैं कैप्चर करने जा रहा हूँ कैप्चर। और कैप्चर करने के बाद देखो यार कैप्चर कर ही नहीं पा रहे इसको, देखो देखो वो भक्या नहीं, तो हम कैप्चर कर पेल मार देगा उसे।
तो अब यार ये कैप्चर करने चक्कर के अंदर देखो वो मारा गया। हम सोच रहे थे कि इसको पकड़ लेते हैं फिर तीन चार दिन से सोच रहे थे पकड़े पकड़े, तीन चार दिन से आंध्रा था आ जाया, तो आज गलती से मर गया। अब यार देखो अब क्या करें, देखो अपन ने पाल बॉक्स के अंदर सब कुछ करा, अब देखो वापस से अपन कोशिश करने के लिए आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर आते जाते रहेंगे। अब ये तुम्हें वीडियो में तुमको ये चाहिए था ना कि भाई मिस्टीरियस ट्री के इधर उधर कुछ करते रहें, इसको एक्सप्लोर करना है तुम्हें अच्छी तरह। मिस्टीरियस ट्री के देखो हमने हमारा जो ये देखो बेड, ये जो वो है छत, देखो छत भी कैसी है, इतनी सी छत बाहर है इतनी सी छत अंदर है, मतलब आपको दिखाने के लिए बताया है, मतलब आपको दिखाया है आपको कि भाई कितनी तरकीब से हम तो कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की। तुम्हारे लिए पूरी वीडियो बनाई है कोशिश करने वाली कि भाई बार बार कोशिश करिए इसकी, हमने हर एक एंगल से कोशिश करिए और इतनी कोशिश करिए, इतनी तो कोई करता भी नहीं है। लेकिन ये सच में एक इमेज ही है, ये 3D यार 3D मुझे इमेज लगता नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि यार इसके अंदर है ना अगल बगल अपने तीर जा रहे हैं, इमेज यार एक ऐसी होती है 3D इमेज बना रखी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रास्ता होगा जो अपन को मिल नहीं रहा। इसके अंदर नहीं जा सकते, ये है तो इमेज ही, जा सकते हैं आर पर हो जाएंगे अपन, मेरे हिसाब से तो जा सकते हैं आर पर हो जाएंगे, हार्ड नहीं है ये, सॉफ्ट है ये। अब मुझे तो यार ऐसा लगता है कि इमेज है, अब पता नहीं यार नहीं भी हो, लेकिन अब इसकी एक प्रिडिक्शन है ये, तो यह तो गेम डेवलपर ही बता सकता है। वैसे भी अर्ली एक्सेस में गेम इसका तो क्या करें अपन, अब वैसे अपन यहाँ पे बेस बना सकते, इतना बढ़िया देखो इधर बेस तो बना ही रखा है अपन ने, शानदार बेस बना रखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सीक्रेट बेस, कोई कोई फ्रेंड खेलता हो तो उसके चकमा। अब देखो ये जो अपना ये पर है कितना दूर बनाया, अब इसे चारों ओर घूम के दिखाएंगे एक बार हम, अब देखो कितना हमने कितना ट्रेवल करा है इसके अंदर पूरा मैप खोल कर। और ये आ गया अपन एक बार फाइट लेने, एक फाइट लेने आ गया अपन यहाँ पे, एक छोटी सी फाइट लेते हैं। देखो तुम्हें फाइट दिखा दे जब तक आप, उसका तो कुछ होगा नहीं, फेल है। और अपन जो है अपने भी जो लेवल है वो बहुत इंक्रीज हुई है, लाल लाल। अब देखो लाइट फाइट करेंगे आराम से, मतलब भगूंगा सिर्फ भगूंगा मैं, क्योंकि क्या ही मार देगा मुझे, दो चार हिट में ही मार देगा, एक हिट में तो मेरी शील्ड तोड़ देता है, इतना खतरनाक है फेलवेट। लेकिन इसको अपन यार इजीली कर सकते हैं कैप्चर, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जैसे मैंने नाइट में छुट्टी थी इसने कम से कम कितनी 200-300 HP तो खाई के होगा, 200-300 तो खाई गया। लेकिन अपना जो कोई अपने भेजा ही नहीं अभी तक तो पाल्स, अपने भेज रहा है नाइट विंग्स भेज रखा है, लड़ रहा है वो भाई, इसकी तो वो डिफेंस अच्छा है इसका, देखो अपन भी दूर से तो मार रहे हो अपने पास, भग गया मैं भग गया। और वो को खींच के रखता है ना अपन तब तेज फेंकता है, तुझे पता नहीं होता, को बता रहा हूँ। तो अब देखो अपन फेल बैठ गई, वैसे अपनी जो नाइट विंग्स है उसमें आधी से ज़्यादा तो कर दी यार, पता नाइट विंग कौन है पता कौन, तू बता पता नहीं पहले हाँ पहले नाइट में ऐसे तो सारे पहले तो ये तो मुझे कौन है पता ही नहीं पा रहा तो क्या खेलता तू, हाँ तो नाइट विंग पहले है भाई, नहीं बात पता लगी है, तालियां हाँ तालियां वो बजता ना जो टुक टुक वाला, ताली क्या होती है वो मीम सकती, तालियां मतलब क्लैपिंग, ये तो पता। तो आप देखो भाई ज़्यादा वो नहीं कठिन नहीं है इसकी, अब उनका अगर 30-40 लेवल पे होता है आराम से, अपने मेमोरेज भी पकड़ रखा है, मेमोरेज नहीं पकड़ा, मेमोरेज पकड़ेंगे अगले पार्ट, अरे यार अगले पार्ट में मेमोरेज पकड़ेंगे, मैंने सब कुछ पकड़ रखा है लेकिन मेमोरेज तो नहीं पकड़ रखा, तो भी सोचते होंगे सब कुछ चले इन्होंने मेमोरेज को नहीं पकड़ा अब तक, तो अगले पार्ट में मेमोरेज पकड़ेंगे, ऐसा ऐसा मारेगा उड़ जाएंगे दो चार नहीं नहीं पकड़ लेंगे उसको अपने पास, यार खतरनाक है वो तो, खतरनाक जीव है, अपन भी अच्छे लेवल के हैं तो अच्छे लेवल से होता है, पहले ही नहीं थे तगड़े तगड़े, अपने एक पहल लिया बस अपन ने एक तगड़ा, सब बच्चे बच्चे अपने पास। और एक इसमें और जी ये जो बेस है ना, मतलब जहाँ पर अपन लड़ रहे हैं इससे, इसमें भी एक बढ़िया जगह है, जैसे आप कोई कोई तगड़ा तगड़ा सा पहल हो आपको यहाँ पर छुपने की जगह नहीं मिले, तो आपको मैं भी एक चीज़ दिखाऊंगा ऐसी कि आप वहाँ पर छड़ के छुप सकते हो, मतलब बहुत ऐसी जगह है वो छुपने वाली, देखो देख दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने जो फाइटिंग वाला पार्ट है ना उसमें काटा ही नहीं जा रहा, बिल्कुल जो रिकॉर्ड हुआ है ना वो चल रहा है बिल्कुल ना, फाइटिंग तो बढ़िया चल रही है अपना, वो नाइट विंग्स अच्छा मार भी रहा है, छुप के देख रहा हूँ, देखो मैं ये वो देखो उसकी भाई उसका बम उस पर फोड़ दिया इसने, या भग गया। फेलबेट लेवल 23, अपना लेवल ज़्यादा ना इसलिए यार अपन क्या इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अभी अपन को धीरे धीरे ना ग्रोथ भी करनी है, तोड़ दी एक बार में शील्ड, देखो शील्ड तोड़ दी उसने, अपनी लेवल भी बढ़ाएंगे अपनी हेल्थ भी बढ़ाएंगे अपने, यार अपने अब तक अपने पॉइंट यूज़ नहीं करे स्टेट पॉइंट्स, अपन तो वही जो स्टार्टिंग में स्टेट मिले थे ना उससे ही कर रहे हैं, देखो कितने अपने कर दिया उसको धीरे धीरे फेल बैट को,
ये फेंक दिया अपने ऊपर, जो अपनी भाई हेल्थ पूरी चली गई। अपन ने अब दूसरा फेंक दिया है अपना जीव, और ये अपन भगते जा रहे हैं बचने के लिए, क्योंकि भाई अगर वो अगर उसने मार दी, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग से अपनी अब तक स्टेट्स है ना वो अपने करी नहीं। ये देखो भाई क्या बन, तो अभी शो हो रहा है इसकी केव फिल्म रेड। आपको मैंने जगह दिखाई थी शायद कर गई उसी मिनट में, अगले पार्ट में दिखा दूंगा फाइट करते हुए। शायद इसमें देख लेना आप, अगर पीछे का वॉइस ओवर रह जाती है, पीछे जो वॉइस होती है ना, मतलब दिखा नहीं होगा मेरे को, रह गई होगी पीछे वो जगह, अगले में दिखाऊंगा आपको। तो यार इसको है ना कैप्चर कर दिया है ऑलमोस्ट, क्योंकि जो अपने पास गीगा स्पेयर है वो बहुत सारी पड़ी है, नौ है और मेगा भी है ना देंगे। हाँ रहती पहले से ही थी, ठीक है। तो अब यार अपन देखो पकड़ रहे हैं इसको, और ये लास्ट अपन फेंकेंगे, और ये देखो 99 सोते हुए दिखाएं तुम्हें, दिखाया तो था यार हमने। ये देखो 99 बॉस फर्स्ट किल। तो ये भाई बॉस मिल चुका है, कोई अपन नहीं लेवल 88 भी हो चुकी है, 28 भी हो चुकी है भाई, बढ़िया था दोस्तों। वैसे देखो अपने एक नया वो भी सीख चुका है, लर्नड इंजीनियस, कुछ स्किल्स नहीं सीखी है, नई स्किल्स सीख गया वो। अब पता है स्किल्स क्या होते हैं देखो? हाँ बता। नहीं पहले से सही में झूठ नहीं बोल रहा। हाँ पता नहीं स्किल्स मतलब स्किल्स नहीं मतलब पहले की कैसे मिलती है, तो स्किल्स एक तो इस तरीके से मिलती है जैसे मैंने इसको मार दिया तो सीख गया, लेकिन एक तरीका और होता है इसका, वो बताया था ना एक एक फ्रूट होता है, अभी मैंने एक इसमें ट्रीट था उसमें तो फूड निकाल रहे थे। तो भाई देखो ये अपन पकड़ के लाए थे फेलबेट, इसको अपन उतार के दिखाता हूँ तुम्हें। ये अपन ने फेलबेट को उतारा और ये आ गया बेस के ऊपर। देखो ये एक पे सोच रहा हूँ मैं इसमें कौन सा हटाऊँ, इनमें से कौन सा फेल हटाऊँ, पता कौन सा हटाऊँगा इसमें, कोई सा भी हटा दे क्यों, जगह है ना एक और बढ़िया पहल तक सारे बढ़िया हैं, इसमें एक बेकार है, खुद के पास ले रहा है ये, बेस में नहीं, बेस में तो उतार दिया इसने, नहीं उतार नहीं उतार अभी बेस में। बता कौन सा लूंगा, कोई सा भी ले ले, ये वाला देख, ये वाला लूंगा मैं, ये वाला नहीं इसके नीचे वाला लूंगा, हाँ ये हटाऊंगा यार। ये भी अपने कितने लेवल के हो गए भाई, 28-27 लेवल के हो गए, ये भी मेमोरेस पकड़ेंगे ना, जैसे एक थाइड दिया था शुरू से, केटीवा, ये दो तो शुरू से ही है अपने फर्स्ट पार्ट से ही, इनको तक अभी हटाया ही नहीं। केटीवा तो अपने बेस में काम करती रहती है हमेशा, जो नीचे नीचे लाल लाल दिख रही है ना बिल्ली, फेल वेट आ गया भाई 23 का, इसीलिए लेवल कम थी इसलिए पकड़ लिया इसको अपन ने। अब अपन यार उसको पकड़ेंगे मेमोरस को, अगली पार्ट आएगा जो मेमोरस का आएगा वही, वो इसको उड़ भी सकते हैं मेरे हिसाब से, बैठ के नहीं उड़ नहीं सकते, शायद बैठ के उड़ सकते होंगे, नहीं उड़ सकते, नहीं उड़ सकते, नहीं नहीं उड़ सकते, चेक नहीं कर रहा, बाकी उड़ नहीं सकते शायद भाई। देखो दिखने में कितना गजब है, और देखो भाई ये जो पार्ट है ये ब्लर इसलिए कर दिया क्योंकि ये है अगला पार्ट। अगला पार्ट में तुम्हें हमने बताया था कि भाई किस तरह हमको कुछ करना है, मेमोरस को पकड़ना है और उस पर जो ट्री पे है उस पर आते जाते रहना है। बाकी तुम तुम्हारे आइडिए कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, शेयर कर सकते हो। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में कुछ मोड डालना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अगले पार्ट में शायद नहीं पक्का उस ट्री को टच ही करेंगे, टच तो करेंगे, बाकी उसके अंदर जाने का तो बनाया नहीं हो, डेवलपमेंट वो अलग बात है, बाकी टच तो करेंगे। हम ऐसे नहीं कह रहे, हम कोशिश करते रहेंगे भाई, कभी ना कभी तो सक्सेस होंगे, अगर होगा तो, नहीं होगा तो तुम देखते रहो, अपडेट तो आ ही जाएगा, अपडेट तो आ ही जाएगा। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाय बाय।